Hello children, how are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing here learning every day. I am your SST teacher and today in SST subject, we will learn about agriculture in India. So kindly take out your SST book and open chapter number 3rd, which is agriculture in India, page number 233. In this lesson, we will learn about Rabi and Kharif crops, types of crops, cereals, pulses and cash crops, fertile land, good rainfall, tropical climate and availability of natural resources have made India an agricultural country. उपजाऊ जमीन ने, गुड रेनफॉल ने, ट्रॉपिकल क्लाइमेट ने और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ने इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री बनाया है. मेजॉरिटी ऑफ आर पीपल लिव इन विलेजेस, काफ़ी सारे लोग विलेजेस में रहते हैं. ऑलमोस्ट 60% ऑफ आर वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस. 60% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में और रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में. सो आर कंट्री इज एसेंशियली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो हमारी कंट्री एक एसेंशियली एग्रीकल्चरल कंट्री है. प्रॉपर मीन्स ऑफ इरीगेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स. सही तरह से सिंचाई और मॉडर्न तकनीकी और इम्प्रूव्ड वेराइटी सीड्स की एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक ने हेल्प की है ग्रोथ करने में डिफरेंट क्रॉप्स की. बिटवीन 1960 एंड 1983 इंडियाज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज 3 times बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मशीन्स इन एग्रीकल्चर. दिस पीरियड वॉज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन. 1960 और 1983 के बीच में इंडिया की फूड प्रोडक्शन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई. किसकी वजह से? इंक्रीज हुआ यूज़ फर्टिलाइजर्स का और मशीन्स का एग्रीकल्चर में, जिस वजह से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई इंडिया की फूड प्रोडक्शन. इसी पीरियड को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड सीजन्स. Since our agriculture is mainly dependent on monsoon rains, we have 2 major seasons for growing crops. Kharif season. हमारे एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड है मॉनसून रेन्स पे. तो हमारे 2 major रीजन्स सीजन्स हैं ग्रोइंग करने के लिए क्रॉप्स. खारिफ सीजन विच बिगिन्स एट द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून व्हेन सीड्स आर सोन इन द फील्ड्स. दीज क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर. खारिफ सीजन जो कि स्टार्ट होता है मॉनसून के स्टार्ट होने पे और सीड्स बोए जाते हैं फील्ड्स में और ये रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, कटने के लिए अक्टूबर नवंबर में. राइस, मिलेट्स, जूट, मेज, कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स. राइस, मिलेट्स मीन्स बाजरा, जूट, मेज मीन्स मक्का, कॉटन, ये सब हमारे खारिफ क्रॉप्स हैं. रबी सीजन बिगिन्स इन अक्टूबर एंड कंटिन्यूज थ्रू विंटर मंथ्स. रबी सीजन स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में और कंटिन्यू रहता है विंटर मंथ्स में. द रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, ग्राम, गेहूं, चना, बार्ली, जौ एंड ऑयल सीड्स. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. इंडियन क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, सीरियल्स, पल्सेज एंड कैश क्रॉप्स. इंडियन क्रॉप्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं. सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें एंड कैश क्रॉप्स. सीरियल्स दीज इंक्लूड क्रॉप्स लाइक राइस, मिलेट्स, मेज एंड वीट. ये सीरियल्स जो क्रॉप्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं राइस, मिलेट्स, मेज, मक्का. मिलेट्स मीन्स बाजरा एंड वीट गेहूं. राइस इज ग्रोन इन द मॉनसून सीजन एज इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर. मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. राइस ग्रो होता है मॉनसून सीजन में क्योंकि उसको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा वाटर की. और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. वीट इज़ द मेजर क्रॉप विच इज़ सोन इन विंटर एंड रीप्ड इन समर सीजन. वीट एक मेजर क्रॉप है जो बोया जाता है विंटर में और
कटता है वो समर सीजन में, इट नीड्स कूल टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल. मोस्ट ऑफ द वीट क्रॉप इज ऑब्टेन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा. काफ़ी सारे जो हमारी वीट क्रॉप है वो ऑब्टेन किए जाते हैं पंजाब से और हरियाणा से. सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो ग्रो वीट. कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी ग्रो करता है वीट. मिलर्स सच एज ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल्सो ग्रोन इन द मानसून सीजन. जो हमारे मिलर्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये भी सब ग्रो किए जाते हैं मानसून सीजन में. दीज आर एडिबल सीड्स एंड आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप्स. एडिबल मीन्स सेफ टू ईट. दे आर ग्रोन इन द सोयल ऑफ पुअर क्वालिटी. ये पुअर क्वालिटी के सोयल में ग्रो होते हैं. पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात ग्रो मिलेट्स. ये सब इन जगह पे ग्रो होते हैं मिलेट्स. पल्सिस. ग्राम, अरहर, मूंग एंड मसूर आर पल्सिस दैट आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर ये हमारी पल्सेस हैं जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ग्रो होती है. नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 234. दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स. पल्सेस में प्रोटीन्स बहुत होता है एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ इंडियंस स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट का इंडियंस के लिए, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए. एंड हेयर इन दिस मैप यू कैन सी मेजर क्रॉप्स लाइक राइस इज ग्रोन हेयर इन येल्लो एरिया एंड वीट इज ग्रोन हेयर इन ग्रीन एरिया एंड ज्वार इज ग्रोन हेयर इन ब्राउन एरिया एंड बाजरा इज ग्रोन हेयर इन रेड एरिया एंड रागी इज ग्रोन हेयर इन पिंक एरिया. कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो सेल के लिए ग्रो किए जाते हैं मार्केट में सेल के लिए, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं. शुगर केन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, ऑयल सीड्स, रबर, कॉटन एंड जूट आर कैश क्रॉप्स. ये सब हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं. शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन नियरली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. मॉडर्न मेथड्स आर यूज टू प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन एक कैश क्रॉप है जो ग्रो किया जाता है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इंडिया के, और मॉडर्न मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर शुगर केन से. कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट आर बोथ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स. कॉटन और जूट दोनों इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं. द ब्लैक सोयल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र यील्ड्स गुड कॉटन क्रॉप. जो ब्लैक सोयल है गुजरात की और महाराष्ट्र की वो प्रोड्यूस करती है गुड कॉटन क्रॉप. यील्ड्स मीन्स प्रोड्यूस. कॉटन नीड्स मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर टू ग्रो. कॉटन को मॉडरेट रेनफॉल और वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. नाउ टर्न पेज नेक्स्ट विच इज़ 235 पेज नंबर. Cotton is also grown in Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu. Cotton यहाँ पर भी grow किया जाता है. Cotton is called the king of fibers. Cotton को king of fibers कहा जाता है. Crop needs alluvial soil, heavy rainfall and hot damp climate. Jute crop को चाहिए होती है alluvial soil, heavy rainfall और hot damp climate. India is the largest producer of jute in the world. India world का largest producer है jute का. Jute products include gunny bags, ropes and carpets. It is also called the golden fiber. Jute ko golden fiber bhi kaha jata hai. Spices. Spices lend flavor to our food. Spices hamare food mein flavor deti hain. India is known for its spices since ancient times. India spices ke liye jana jata hai ancient times se. Cardamom, ilaichi, bay leaf, tej patta, cloves, long, पेपर, मिर्च, जिंजर आर स्पाइसेस. अदरक ये सब हमारी स्पाइसेस हैं. केरला इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस एंड कोकोनट्स. केरला चीफ प्रोड्यूसर है स्पाइसेस और कोकोनट्स का. कॉफ़ी एंड कोकोआ. कॉफ़ी एंड कोकोआ आर बीवरेजेस. कॉफ़ी एंड कोकोआ बीवरेजेस हैं दैट आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये यहाँ पर ग्रो होते हैं. टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज. टी हमारी मोस्ट पॉपुलर बेवरेज है. इट इज़ ग्रोन इन असम, दार्जिलिंग, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका. गुड रेनफॉल इज नीडेड टू ग्रो टी बट द सोयल शुड नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग. रेनफॉल की ज़रूरत होती है टी को ग्रो करने के लिए, लेकिन जो सोयल होती है वो रिटेन नहीं करती वाटर ज़्यादा समय के लिए. हिल स्लॉप्स लेट द वाटर ड्रेन अवे क्विकली.
ऑयल सीड्स आर मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल. ऑयल सीड्स मेन सोर्स होते हैं कुकिंग ऑयल के. क्रॉप्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड सीड्स, लिनसीड, कैस्टर सीड एंड कॉटन सीड आर ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ये सब जो क्रॉप्स हैं ये ग्रोन होते हैं इन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन फ्रूट प्रोडक्शन. इंडिया ने बहुत ग्रेट प्रोग्रेस करी है फ्रूट प्रोडक्शन में. इट रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील इन फ्रूट प्रोडक्शन. ये सेकेंड रैंक पे है वर्ल्ड में ब्राज़ील के बाद फ्रूट प्रोडक्शन में. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करने की जो प्रैक्टिस है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर. मैंगो, मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स इज द डेलिकेसी ऑफ इंडिया. मैंगो जो कि किंग है फ्रूट्स का, ये डेलिकेसी है, विनम्रता है इंडिया की. इट इज़ वाइडली ग्रोन. So now the chapter is finished. Children, I hope you are able to understand about agriculture in India. Thank you.